हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, सीएचओ की जो भर्ती निकाली गई थी, उस भर्ती का उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे हैं उसकी वेटिंग लिस्ट को लेकर, और लगातार उम्मीदवारों के कमेंट आ रहे हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह की शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर जो जारी की गई थी उम्मीदवारों के लिए, उस उम्मीदवारों को इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा होप था, क्योंकि इन भर्तियों के अंदर जो है पद जो है 700 से प्लस शेष बचे हुए हैं, उस पर जो है कंफर्म वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीदवारों को पूरी तरह से यहां पर उम्मीद है। पर दोस्तों, क्या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो शेष पद हैं, क्या उस पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी? क्योंकि लगातार जो प्रोसेस है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, वो पूरी होती जा रही है, पर वेटिंग लिस्ट को लेकर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक कोई भी अपडेट दी नहीं जा रही है। क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी? दोस्तों, लगातार इसी के रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड उम्मीदवारों के कमेंट आ रहे हैं। और आप सभी को पता है कि रिसेंटली यहां पर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की दो वैकेंसी निकाली गई, और दोनों में यहां पर 700 से प्लस जो हैं जो पद हैं वो शेष रह गए हैं, और उम्मीदवारों को पूरा होप है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म आएगी। पर दोस्तों, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? अगर आएगी तो उम्मीदवारों को और कितना समय अपनी वेटिंग लिस्ट को लेकर इंतजार करना पड़ेगा, और कितने वेटिंग लिस्ट आएगी, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि वेटिंग लिस्ट को लेकर एक अपडेट है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, और लगातार वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग आप सभी के कमेंट आ रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल studyzone/sz पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की लगातार यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर दो वैकेंसी निकाली गई, और दोनों की प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा पूरा किया गया। पर दोस्तों, वेटिंग लिस्ट को लेकर अब प्रक्रिया क्यों धीरे हो चुकी है? वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर दो वैकेंसी आउट की गई, एक 5,505 पोस्ट की, और एक यहाँ पर जो दूसरी वैकेंसी आउट की गई थी वो 4,000 प्लस यहाँ पर 1,500 पोस्टों की। तो उम्मीदवार इस रिलेटेड इन दोनों भर्तियों को लेकर उम्मीदवार कंफ्यूज हैं कि क्या जो इनकी वेटिंग थी, जो पहले वाली जो वैकेंसी की जो शेष पद थे, उस शेष पदों को यहां पर जोड़कर क्या इसकी वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है? क्या 5,505 पोस्ट की जो वैकेंसी थी उसकी वेटिंग लिस्ट ना जारी कर इनके पदों में 4,000 के पदों में इनकी बढ़ोतरी की गई है? क्या उन्हीं उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी? ये एक उम्मीदवारों को सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि फाइनली जिसमें शेष पद बाकी थे उन शेष पदों को भी जोड़कर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट जो है अगली भर्ती में जोड़ देता है। तो क्या इन सभी चीज़ों की प्रक्रियाओं से जो है उम्मीदवारों को एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है वेटिंग लिस्ट को लेकर? और रिसेंटली आप सभी को पता है कि यूपी एनएचएम द्वारा एक और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है, क्या उस वैकेंसी के अंदर क्या इन पदों को जो शेष पद हैं उसमें जोड़ दिया जाएगा? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवारों के मन में बना हुआ है। तो दोस्तों, सारे ही डाउट मैं आपको आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वेटिंग लिस्ट के लेकर। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लगातार प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो यहां पर दोनों भर्ती की चल रही है, और जल्द से जल्द इस प्रोसेस को पूरा भी कर दिया जाएगा। पर दोस्तों, क्या वेटिंग लिस्ट की प्रोसेस जो आगे बढ़ेगी या यहीं पर रुक जाएगी, यह एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, सोर्सों की माने कि जो अपडेट निकल कर आ रही है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रक्रिया है उम्मीदवारों को यहां पर कन्फ्यूज़ किया हुआ है, और कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को एक होप भी है, और इसके चलते कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी तैयारी पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, जो कैंडिडेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में सेलेक्टेड हुए हैं, और जो इनकी डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा दूर होने के कारण वो इस भर्ती से जो है वो हटते भी जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको दो या तीन लेटर आपको मैंने अपने वीडियो के अंदर ही दिखाए हैं, और अपने चैनल टेलीग्राम चैनल studyzone/sz पर शेयर भी किए हैं। और साथ ही यहाँ पर जो ग्रेवल्स पोर्टल खोला गया था उस पर भी उम्मीदवार जो हैं अपने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए लेकर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट से आग्रह भी कर रहे हैं कि जो हमारे 900-1,000 किलोमीटर जो दूर डिस्ट्रिक्ट मिले हैं वहाँ पर हमें पॉसिबल नहीं है कि हम ज्वाइन कर सकें। सारी प्रक्रिया होने के बाद भी, बॉन्ड भरने के बाद भी उम्मीदवार जो हैं अपने जो है कदम वो पीछे खींच रहे हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों सोच सकते हैं कि जो वैकेंसी की जो पद हैं वो खाली होते जा रहे हैं, पर वेटिंग के लिए उम्मीदवार इंतजार भी कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पर क्या यूपी एनएचएम का कोई अभी तक इसके रिगार्डिंग एक्शन तो नहीं आ पाया है, इससे रिलेटेड कोई अपडेट भी नहीं दे पा रहा है। तो क्या वेटिंग की चांसेस उम्मीदवार रखें या नहीं रखें? तो दोस्तों यहाँ पर अगर रिसेंटली आप एक भर्ती की अपडेट देखें, एक नोटिस देखें, तो जैसा कि रिसेंटली हरियाणा में सेम सिचुएशन उम्मीदवारों के साथ हुआ था, जिसमें कि अगर साल एंडिंग के अंदर में आपने देखा कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो न्यू वैकेंसी निकली थी उस पर 150 पदों पर न्यू वैकेंसी थी, और यहाँ पर 323 जो है वो यहाँ पर बैकलॉग थे, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी खाली रह गई थी, जिनके सीटें शेष रह गए थे, उनको जोड़कर साल एंडिंग में एक नई विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया। इस तरह से भी यहाँ पर जो है एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा फैसले लिए जाते हैं। तो उम्मीदवार इन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। पर दोस्तों जो अपडेट है वो आप सभी के पूरे तरह से फेवर में है। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आने की 60% जो है यहाँ पर चांसेस बन रही हैं, जो सोर्सों की माने और मीडिया रिपोर्ट हाउस की माने। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आप सभी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है इन दोनों भर्ती की यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा, इन दोनों की प्रोसेस कराई जा रही है, जिसके कारण अभी ये वेटिंग लिस्ट ना जारी करने की भी एक सबसे बड़ी जो है अपडेट निकल कर आ रही है। क्योंकि रिसेंटली अगर आप अपनी जो नई विज्ञप्ति थी 4000 प्लस 1500 पोस्टों की, उसके रिगार्डिंग भी कई उम्मीदवारों के रिजेक्शन हुए, पर रिजेक्शन किस कारण से हुए, क्योंकि उनके नंबर भी काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है ज़्यादा थे, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ पाया है। तो उसके कारण भी उम्मीदवार चिंतित हैं कि हमारी जो किस वजह से रिजेक्शन हुई है उसके रिगार्डिंग भी उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। पर दोस्तों दोनों ही भर्ती के अंदर यहाँ पर आप एकदम आशा रख सकते हैं कि जो यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट है वो इनकी भर्ती की वेटिंग लिस्ट बिल्कुल ही जारी करेगा, और दोनों ही भर्ती के कम से कम 1500 से प्लस जो है वेटिंग लिस्ट जाने की पूरी संभावना है। और दोस्तों आपको वेटिंग लिस्ट के लिए ज़्यादा इंतज़ार भी दोस्तों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी के 3rd वीक या 4 वीक्स तक यहाँ पर जो है जो नई भर्तियाँ हैं उनकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी, और उम्मीदवारों के वेटिंग लिस्ट जो है उस समय से जारी करने की जो प्रक्रिया है वह उस समय से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीदवारों को थोड़ा सा होप करना पड़ेगा, और दोस्तों अपने जो पढ़ाई पर पूरे तरह से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर अगर वेटिंग के अंदर नाम नहीं आते हैं तो अगर आपके पास फोकस रहेगा जो 2023 के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उसमें भी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा आपके फोकस आपकी स्टडी से यहाँ पर जो है उन भर्तियों में भी आने की चांसेस हो सकती हैं। क्योंकि लगातार जो वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की गई उसमें उम्मीदवारों के नाम नहीं आए, तो आप सोच सकते हैं कि जिनके कम मार्क्स हैं तो वहाँ पर वो उनको कोई भी होप नहीं मिल सकता है। जिनके 1 या 2 नंबर अपने जो है कट ऑफ से कम थे वेटिंग से, जिस प्रक्रियाओं से उठाया गया उस प्रक्रिया में अगर उनके नंबर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर उन्हें ही सबसे बड़ा जहाँ पर जो है बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, ना कि अदर कैंडिडेटों को भी मिलेगा। पर दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट की बात है, यहाँ पर 3rd या 4th वीक में आप सभी की वेटिंग जो है 100% आएगी इन दोनों भर्तियों में। तो दोस्तों यहाँ पर तो जो आप सभी के डाउट थे, जो कन्फ्यूज़न थे, हमारे चैनल के माध्यम से क्लियर किए गए, और फिर भी वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई भी जो अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से वो सारी अपडेट आप सभी को शेयर किया जाएगा। और दोस्तों आप अपनी वेटिंग के लिए इंतज़ार न करें, और नई भर्तियों की जो विज्ञप्ति आएगी उसके लिए आप अपने फोकस अपने स्टडी पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि हर एक अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से वो शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए अपडेट निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया गया, इसके रिगार्डिंग और कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी सबसे पहले उसको भी आपको शेयर किया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।